डब्लू टी ओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जब कोई कंट्री मेंबर बन जाता है तो उसको डिफरेंट डब्ल्यू टी ओ के लॉज हैं रूल्स हैं उसको फॉलो करने पड़ते हैं उन कंट्री जो कि डब्ल्यू टी ओ के मेंबर्स होते हैं तो उनमें से एक प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है उसको डिस्कस करेंगे तो पहली चीज हम समझ लें कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है देखिए डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना और नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो क्या गैर भेदभाव यानी कि भेदभाव ना करना तो डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कंट्रीज हैं वो आपस में ट्रेड करते वक्त भेदभाव नहीं करेंगी इसका प्रिंसिपल जो है फॉलो करना पड़ेगा ये रूल जो है फॉलो करना पड़ेगा डब्ल्यू मेंबर को यानी कि अगर कोई कंट्री वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाता है तो फिर बाकी जो कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हैं उस कंट्रीज के साथ ट्रेड करते वक्त जो कंट्री बनी है मेंबर वो भेदभाव नहीं करेगी यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल उनको फॉलो करना पड़ेगा तो ए कंट्री शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इट्स ट्रेडिंग पार्टनर यानी कि जो भी उनके ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी यानी कि वो भेदभाव नहीं करेगी जो रूल जो है किसी दूसरी कंट्री के लिए होगा वही रूल दूसरी कंट्री के लिए होगा जो कस्टम टैरिफ जो है कंट्री किसी दूसरी कंट्री के लिए लगा रही है वही कस्टम टैरिफ दूसरे कंट्री के लिए लगा रही होगी सपोज कि इंडिया है इंडिया ने जो टैरिफ जो है इंपोर्ट ड्यूटी जो है चार्ज कर रही होगी अमेरिका से वही टैरिफ ड्यूटी वही इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो किसी दूसरे कंट्री से भी चार्ज करेगी तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इट्स ऑन एंड फॉरन प्रोडक्ट सर्विस और नेशनल दूसरा जो प्रिंसिपल है यहां पर यह भी ध्यान रखना होता है कि जो कंट्री मेंबर बन चुकी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उनको जो है अपने खुद के नेशनल प्रोडक्ट को यानी कि उनके 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 कंट्री कंट्री में 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 जो जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट बन रहा रहा है है और फॉरेन से पर आ उसके बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए यानी कि ये नहीं कि ये हमारा देसी प्रोडक्ट है और ये जो है विदेशी प्रोडक्ट है तो दोनों के लिए जो है हम अलग अलग रूल अप्लाई कर रहे हैं यानी कि इंडिया के अंदर ही हमारे जो लोकल प्रोडक्ट है उस पर अलग टैक्स ले रहे हैं और जो बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है उस पर हम अलग टैक्स लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ ड्यूटी लगा सकते हैं जब बाहर से हमारी कंट्री में एंटर करेगा प्रोडक्ट तब जो चार्जेस लेने हैं हैं वो हम हम चार्जेस ले सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर इंटर करने के अंदर एंटर करने बाद बाद उसके बाद हम अलग अलग जो है या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं कि जीएसटी uh, ले रहे हैं तो जीएसटी डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर अलग है और फॉरन प्रोडक्ट पर अलग है तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसके बेसिस यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन में दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए गए हैं देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन तो सबसे पहला क्या हो गया मोस्ट फेवर नेशन ट्रीटमेंट एफ एन होना चाहिए और दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट ऑब्लिगेशन ये दो प्रिंसिपल जो है मेंबर्स को फॉलो करना पड़ता है तो सबसे पहले हम देखेंगे मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट इसका मतलब क्या हो गया तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो डब्ल्यू टी ओ के मेंबर्स हैं कंट्री हैं उनको आपस में सभी कंट्री को मोस्ट फेवर्ड मान के चलना है यानी कि अगर वन सिक्सटी फोर कंट्रीज डब्ल्यू टी ओ मेंबर्स में हैं तो सारी कंट्री क्या होंगी वो आपस में मोस्ट फेवर्ड नेशन में आएंगी यानी कि ट्रीटिंग अदर नेशनल इक्वली इंडिया जो है अदर डब्ल्यू मेंबर कंट्री को इक्वली ट्रीट करेगा यह नहीं कि डब्ल्यूटीओ मेंबर में यूएसए है और जर्मनी है तो हम यूएसए को अलग ट्रीट करें जर्मनी के लिए अलग हमने इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज कर रखी है ऐसा नहीं होना चाहिए तो डब्ल्यू टीओ मेंबर्स में जो भी कंट्रीज होंगी उनको सभी कंट्री को इक्वली ट्रीट करना होगा तो दैट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट कंट्रीज कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स तो ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में आप नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं एज पर मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट तो यहाँ इस प्रिंसिपल में क्या होता है इट इज़ अ प्रिंसिपल दैट प्रोहिबिट डिफरेंट ट्रीटमेंट गिवन टू सेम प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन द कंट्री ऑफ ऑरिजिन यानी कि आप बीइंग अ कंट्री आप जो है दो कंट्री से अगर आपके यहाँ पर कोई प्रोडक्ट आ रहा है कोई सेम प्रोडक्ट है और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आ रहा है तो एक कंट्री से कम इंपोर्ट ड्यूटी ले रहे हैं दूसरे कंट्री से ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी ले रहे हैं ऐसा आप नहीं कर सकते हैं इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो मोस्ट फेवर्ड नेशन ऐसा नहीं होगा कि यूएसए से हमारी दोस्ती अच्छी है तो हम यूएसए से कम इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे और जो है किसी दूसरे कंट्री से हमारी दोस्ती नहीं है तुम उससे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे नहीं आपको दोनों को दोनों कंट्री को इक्वली ट्रीट करना होगा जो इंपोर्ट ड्यूटी आप एक कंट्री से ले रहे हैं वही इंपोर्ट ड्यूटी आप दूसरे कंट्री से भी लेंगे फॉर एक्साम्पल इफ अ कंट्री अ स्पेशल फेवर सच एज लोअर कस्टम ड्यूटी रेट फॉर वन ऑफ देयर प्रोडक्ट देन दे हैव टू डू द सेम फॉर ऑल द अदर डब्ल्यू टी ओ में जो कि हमने अभी बताया कि जब अगर कोई कंट्री किसी कंट्री को लोअर कस्टम ड्यूटी चार्ज कर रही है तो फिर वही कस्टम ड्यूटी जो लोअर की गई है वही कस्टम ड्यूटी अदर डब्ल्यू

तो वहां पर जो है आप बैरियर लगा सकते हो क्लियर तो वहां पर आप बैरियर लगा सकते हो लेकिन अगर दो कंट्री सेम प्रोडक्ट फेयरली है इंपोर्ट कर रही हैं तो उस केस में आपको फिर सेम जो है ट्रीटमेंट देना होगा दोनों ही कंट्री को तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन कंट्रीज कहने का मतलब या मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट कहने का मतलब यहां पर क्या हो गया कि डब्ल्यू टी ओ मेम्बर्स में जो भी कंट्रीज हैं वो आपस में इक्वली ट्रीट करेंगी सभी ट्रेड पार्टनर्स को इक्वली ट्रीट करेंगी अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं करेंगी बाइफरकेट नहीं करेंगी किसी भी बेसिस पे क्लियर नेक्स्ट जो हम बात करें मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट है ये डब्ल्यू टी ओ के डिफरेंट जो है आर्टिकल में इसको इंक्लूड किया गया है इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट इट इज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गैट विच गवर्न

फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट को इसको जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंपॉर्टेंट पहलू है डब्ल्यू का और रूल है प्रिंसिपल है और इसको जो है सभी कंट्री को फॉलो करना चाहिए वहीं पर दूसरा प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन है दैट इज नेशनल ट्रीटमेंट ऑब्लीगेशन तो जैसा कि हमने बताया कि ट्रीटिंग फॉरनर एंड लोकल इक्वली यहाँ पर क्या हो गया नेशनल ट्रीटमेंट ऑब्लीगेशन यानी कि आपको आपके कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसको आप तो जो है ट्रीट कर ही रहे हो अपने कंट्री के रूल के अकॉर्डिंग लेकिन बाहर से जो आपके कंट्री में प्रोडक्ट आ रहा है उसको भी आपको एज अ नेशनल प्रोडक्ट ट्रीट करना होगा जब तक वो बाहर है तब तक आपके ऊपर कोई भी जो है ऑब्लिगेशन नहीं है लेकिन अगर आपकी कंट्री में वो आ जाता है एंटर कर जाता है वो प्रोडक्ट या वो सर्विस तब आपको उसको इक्वली ट्रीट करना होगा चाहे वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो चाहे वो फॉरन प्रोडक्ट हो अगर आपकी कंट्री में एंटर कर गया है फॉरन प्रोडक्ट तो आपको डोमेस्टिक की तरह ही उसको भी ट्रीट करना होगा दैट इज नेशनल ट्रीटमेंट ऑब्लीगेशन तो इंपोर्टेड एंड लोकली प्रोड्यूस गुड्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली इंपोर्टेड यानी कि बाहर से मंगवाया गया प्रोडक्ट या फिर लोकली प्रोड्यूस आपकी कंट्री में बना हुआ प्रोडक्ट दोनों को आप इक्वल ट्रीट करोगे नेशनल ट्रीटमेंट ओनली अपलाइज वंस अ प्रोडक्ट सर्विस और आइटम ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैज द मार्केट तो ये जो नेशनल ट्रीटमेंट है जब एक बार आ, जो का प्रोडक्ट है वो कंट्री के अंदर आ गया यानी इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह सब आपने कस्टम ड्यूटी वगैरह चार्ज कर लिया है अब जो आपकी कंट्री के अंदर वो आ चुका है तब जो है आपको लोकली प्रोड्यूस गुड्स और जो इंपोर्टेड गुड्स है दोनों को सेम ट्रीटमेंट करना होगा यानी कि चार्जिंग कस्टम ड्यूटी ऑन एन इंपोर्ट इज नॉट अ वोलेशन ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट इवन इफ लोकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट आर नॉट चार्ज एंड

क्लूड किया गया है तो ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन होता है यानी कि आप जो है फॉरेन कंट्रीज को या फिर फॉरेन कंट्रीज के प्रोडक्ट जो आपके कंट्री में एंटर कर गए हैं उसको अपने लोकल प्रोडक्ट से डिफरशिएट या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं तो यही जो है मोस्ट फेवर नेशन ट्रीटमेंट और नेशनल ट्रीटमेंट ऑब्लीगेशन होता है यू ऑल बेस्ट की